तो गाइस देखो ये रखा हुआ है पितरों के लिए, ये कद्दू की सब्जी है, इसे क्या बोलते हैं पटुंगी, ये खीर पथूड़ बोलते हैं इसे, और ये पराठा है, और एक खीर है, ये कद्दू के पत्ते हैं, ये जो गाइस जिसके नीचे रखा हुआ है, ये इन्हें बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है पितृ संक्रांति, पितरों के लिए चढ़ाया है। जो मैंने दिखाया था वो बाहर है, ये भी उन्हीं के लिए रखे हुए पितरों के लिए। देखो गाइस मंचूरियन जैसे लग रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बहन को लेने के लिए, देख यहाँ बैठी हुई है दीदी। नमस्ते। 60-70% पीपल ऐसे हैं जिनको मतलब अभी तक टारगेट पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है। मेरे को भी नहीं था पता, क्योंकि गाइस देखो आपने भी पढ़ाई करी, आपने पढ़ाई करी होगी, ट्वेल्थ हमें पता ही नहीं था ट्वेल्थ में हमें करना क्या है बनना क्या है। ट्वेल्थ में हमने दोस्त ने देखा बायो ले रहा, उसने मैथ ले रहा, तो हमने ऐसे देखा देखी मैं मैथ ले ली। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज चैनल की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने घर से, वेलकम टू मंचाओ, जो चाहो वो खाओ। तो आज मैं आपको बताता हूँ गाइस, आज है पितरों की संक्रांत बोला जाता है हमारे यहाँ पे पहाड़ियों में। तो इसमें जो भी मतलब हमारे जो पितर होते हैं पूर्वज जो गुजर चुके हैं उनके लिए खाना रखा जाता है। हम आपको शाम को दिखाएंगे कि कैसे हम लोग पितरों के लिए खाना रखते हैं। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेने, और उसको हमने इनवाइट किया आज खाने पे। तो गाइस ब्लॉग के साथ भी बने रहिए। हम पहुँच चुके हैं बहन को लेने के लिए, देख यहाँ बैठी हुई है दीदी। नमस्ते। हेलो मामू। दी नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, बढ़िया है। देखो ये गाइस ये मेरी बहन है, इसको हमने कचरे के डब्बे से उठाया था। अरे उसकी बेटी है, ये उसका लड़का है। हेलो मामू। हेलो कहाँ है मामू। गाइस इसका नाम है हरिका। देखो वहाँ, देखो वहाँ, देखो हरिका, हरिका वहाँ देखो। गाइस जैसे आप देख रहे हो मेरी बहन है, और लब्बू, ये देखो ये लब्बू है। गाइस देखो मेरी बहन है। देखो क्या होता है कि अभी मैं आया, इसके पाँव पूँछ छुए मैंने, तो ये सब फॉर्मेलिटी सी थी, क्योंकि गाइस जो प्यार प्रेम है, आपकी भी कोई बहन होगी जो इतने भी व्यूअर्स हैं जो अपनी बहन को नाम से बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ अभी भी शादी के बाद भी। ये मेरी क्लासमेट भी थी और मेरे से 1.5 साल बड़ी थी। तो चलते हैं घर। मामू हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, ये मामू है हमारा। ठीक है गाइस, गाइस ये हरी का क्या है मामू, मामू कहाँ है बोलो मामू। चलो चलते हैं घर। तो गाइस पहुंच गए घर, और बाय करते हैं इनको। ये मम्मी आ गए, ये पता नहीं कौन सी प्रथा है, कौन सी प्रथा है मम्मी, हाँ। तो गाइस चावल जरूरी है करना, क्योंकि ये रास्ते सारे हैं। बाय लब्बू, हाय कर दे एक बार, हाय कर दे, इधर कर दे, हाय कर दे, ठीक है बाय। तो गाइस कैफे खोलने के बाद थोड़ा आया था अपने गांव की तरफ घूमने, दिखाते हैं आपको अपना गांव। देखो गाइस ये है मेरा गांव। देखो गाइस यहाँ पे हमारा घर है, ये ब्लू वाले घर के पीछे वाला घर है गाइस हमारा। भले हम रहे नहीं गांव में, लेकिन गांव तो गांव है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और बैठा हूँ अभी कैफे में। देखो गाइस ये कैफे है, लेकिन कस्टमर है नहीं। अगर कोई कस्टमर आता है तो आपको दिखाते हैं आगे के ब्लॉग में, नहीं आता है तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। आपको दिखाएंगे घी संक्रांत, हमारे यहाँ घी संक्रांति मनाई जाती है और उसे पितृ संक्रांत भी बोला जाता है। तो दिखाएंगे आपको कैसे कैसे क्या बनता है और कैसे बनाते हैं, तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइस दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा ऑफ सीजन का। देखो गाइस एक भी गाड़ी नहीं लगी हुई, देख रहे हो एक भी गाड़ी नहीं लगी हुई दूर दूर तक। देखो यहाँ पे लगा हुआ है टेम्पू, और गाइस मैं इतना बता रहा हूँ, देखो ये कस्टमर भी हम पे आएंगे अगर वो अपने होटल से बाहर निकले, क्योंकि हमने सेटअप ही ऐसा बना रखा है, ये अपना सेटअप है। देखिए गाइस कभी यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ लगी रहती है लास्ट तक, इस साइड भी और उस साइड भी। गाइस वीडियो के साथ बने रहिए, आता है कोई कस्टमर तो दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, तो फाइनली कस्टमर आए हमारे, अभी तक कोई भी कस्टमर नहीं आए, हमारे पहले कस्टमर है भाई, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे,
आधे से ज्यादा यहाँ पे मराठी मानुस आ रहे हैं आजकल, आपको पता है गाइस, पिछले ब्लॉग में भी मराठी थे, इसमें भी मराठी है, हमारे मराठी मानुस है। भाई का नाम हमने बातचीत करी अभी तक थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने भाई को पूछ लिया ब्लॉग बनाना है साथ में, तो भाई ने हाँ बोल दिया, तो जिसने हाँ बोल दिया फिर उसके साथ तो दिल खोल के मना आए नहीं। तो भाई भाई जी हमारे भाई जी आपका नाम अक्षय, भाई का नाम करण, करण। तो ये भाई लोग काफी अच्छे फैमिलियर बॉन्ड बन जाता है दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं भी बॉम्बे आना जाना हो जाता है अपना, भाई भी रहता है हमारा वहाँ पे, तो हम वही बात कर रहे हैं। भाई का मोमोज खाया, बहुत बेस्ट लगा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ये भाई लोग अपना प्यार प्रेम बांटने, हमारा ऐसी सीन है, हम आपस में प्यार प्रेम भी बांटते हैं, कोई भी आता है जब भी गंगोत्री का आना होगा तो इधर मस्त मोमोज खा के जाने का। बिल्कुल भाई, भाई आप क्या करते हो वैसे भाई प्रोफेशन? हम जॉब पे जाते हैं, मैं फार्मास्यूटिकल में। वाह, फार्मास्यूटिकल कंपनी में होंगे? नहीं, फार्मास्यूटिकल कंपनी। और आप खुद का बिजनेस? तुम्हारा मतलब वहाँ पे काम क्या है, मेनली काम क्या है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मेनली काम क्या है? मैं स्टोर इंचार्ज। अच्छा, स्टोर इंचार्ज। तो जहाँ भी जितनी भी सारी दवाइयाँ रहती है वहाँ पे इंचार्ज हो आप लोग? हाँ। बढ़िया है, जैसे सुपरवाइजर भी कह सकते हैं। हाँ। क्यों? और आप भाई जी? खुद का बिजनेस है, खुद का है। काई का? काई का? काई का भट्टी है। अच्छा, ये ईट, ईट का भट्टा, भट्टा, भट्टा। अरे मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ बाई प्रोफेशन, इसीलिए हमें भट्टा का पता है हमें। तो गाइस देखो, मेनली पता क्या होता है, हम लोग हो चाहे इंडिया में 60-70% पीपल ऐसे हैं जिनको मतलब अभी तक टारगेट पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है। मेरे को भी नहीं था पता, क्योंकि गाइस देखो आपने भी पढ़ाई करी, आपने पढ़ाई करी होगी, ट्वेल्थ हमें पता ही नहीं था ट्वेल्थ में हमें करना क्या है, बनना क्या है। ट्वेल्थ में हमने दोस्त में देखा बायो ले रहा, उसने मैथ ले रहा, तो हमने ऐसी देखा देखी में मैथ ले ली, किसने बायो ले ली, किसने कॉमर्स ले ली, किसने आर्ट्स ले ली, लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं था कि हम कॉमर्स ले रहे हैं तो हमें बनना क्या है, अगर हम आर्ट्स ले रहे हैं तो हमें बनना क्या है, हम मैथ्स ले रहे हैं तो हमें बनना क्या है। हमने बस देखा एक दूसरे को, दोस्त को देखा, इस ऐसे करके देख लिया। अब देखो भाई, जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट आया वो करो, मुझे तो इस काम में इंटरेस्ट आता है इसलिए मैं काम करता हूँ, तुम्हें अपने काम में इंटरेस्ट आता है, तुमने अब जो तुम्हारा जो प्रोफेशन था क्या तुमने सोच समझ के करा कि मुझे यही करना है, यही बनना है? नहीं था ना आपका था? तो ऐसे गाइस 70% पीपल है इंडिया में मेनली जिनको हमें खुद नहीं, आपको भी नहीं था पता कि आपने करना क्या था, बनना क्या था, लेकिन कोइंसिडेंस हो जाता है। ठीक है भाई लोगों, अच्छा लगा आपसे मिलके। गाइस तो जितने भी ग्राहक आते हैं, कस्टमर आते हैं, सबसे मैं आपकी बातें करवाता हूँ, आपको कुछ बोलना है आप बोल सकते हो। नहीं, आपका मोमोज है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई यात्री आएगा गंगोत्री के? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मस्त मोमोज खा के जाने गए। ओके गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ अभी चीज़ मंचूरियन, क्योंकि एक कस्टमर आए हैं लोकल भैया, और थोड़ा बनाऊंगा अपनी बहन के लिए, बहन आई है घर लेके जाऊंगा, तो बहनों का भी रिव्यू लेंगे गाइस, दिखाएंगे आपको कि उनको कैसा लगता है। अगर लोकल भैया आते हैं उनका मैं पैक करता, अगर उनका वो लाइव रिव्यू देने के लिए तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर भी मैं घर वालों का अपनी बहन से रिव्यू दिलवाऊंगा आपको, कि देखते हैं कि क्या बोलती है वो। ये देखो गाइस, ये वेजेस कट चुकी है, अब बनाते हैं इस पर गोले और मिलते हैं आपको मंचूरियन के साथ। तो गाइस गोले तो बन गए हैं मंचूरियन के, अब इन्हें करते हैं फ्राई। देखो अब करते हैं ना फ्राई करके ग्रेवी में डालेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। गाइस मंचूरियन अभी फ्राई हो रहे हैं, निकालते हैं इन्हें बाहर। तो गाइस मंचूरियन हो चुके हैं फ्राई, देखो कितने हर जगह से बिल्कुल परफेक्ट पके हुए हैं, देख रहे हो हर जगह से इक्वल पके हुए, और क्रंची भी। देखो ये ग्रेवी मैंने बनाई थी जब इससे पहले कस्टमर आए थे, तो वो भैया लेकर चले गए अपना। अब डालते हैं इसमें मंचूरियन, ये ले आ रहा हूँ मैं घर। तो गाइस निकलते हैं अब शॉप बढ़ा के, ये देखो ये अपनी शॉप है, ये शॉप है अपनी, अभी बढ़ा के निकलते हैं घर, मिलते हैं आपको ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं गाइस घर, मंचूरियन कर लिया पैक और दुकान भी कर दी है क्लोज, तो चलते हैं घर। ये हमारी गाड़ी, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं घर। ओके गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। हट जा। हाँ या मम्मी को दे दे। गाइस ये मैं लाया अपनी बहन के लिए मंचूरियन, अब बताइए कैसा हो रहा? बहुत टेस्टी। खा के तो देख, पहले भी बॉल कैसे हो रही मंचूरियन? बॉल अच्छी, चीज मंचूरियन है वो। देख रहे हो गाइस, ये पितरों के लिए चढ़ा रखा है, इसलिए बोलते हैं पितृ संग्रांत।
ये रात को या सुबह गाय खा लेगी या कोई पक्षी पक्षी खा लेंगे। कुमाऊं मंडल में जब चंद्रवंशी यह शासन था तो उस समय जो वहाँ के राजा थे तो प्रजा उनको भेंट स्वरूप देती थी, तो उसी प्रकार हम लोग इसलिए मनाते हैं गढ़वाल में क्योंकि जो हमारे पितर हैं, जो हमारे पूर्वज जो गुजर चुके हैं, उनको प्रसाद या उनको याद करने के रूप में ये चीज़ें दी जाती है। तो गाइस ये है चीज़ें, ये दिनोई है, ये पतिउड़ है, दिनोई ये पराठा ही समझ लो आप, पराठे के जैसे बनता है, और ये दिनोई है, ये पतिउड़ है, इसको मैरिनेट मार के बेसन बूसन के साथ फ्राई करते हैं, और ये अपना कद्दू है और ये खीर है। तो गाइस खाते हैं, बताते हैं कैसा है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म, और खाना खा लिया है, काफ़ी अच्छा था, पतिउड़ भी अच्छे थे, खीर बहुत अच्छी थी। बाकी देखो गाइस ये भांजी है, इनके साथ बैठा था, ये भतीजा, दोनों सो गए, मजे से सो रहे हैं, सिमारों से तब मिल लिए, बाकी ये सो गए हैं। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।